हेलो एवरीवन सो इन दिस लेक्चर विल बी लर्निंग अबाउट द वर्टिकल बैलेंस शीट तो वर्टिकल बैलेंस शीट के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे फॉर्मेट कैसा है वो पूरा प्रॉपरली डिस्कस करना है हमें कि जो फॉर्मेट है बिकॉज ये फॉर्मेट पे ही पूरा का पूरा आपका कैलकुलेशंस डिपेंड करता है तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके सुने ताकि आपको प्रॉपरली ये फॉर्मैट जो है एक बार क्लियर हो जाए तो मैनेजमेंट अकाउंट की अगर बात करें सो वी हैव द

मतलब अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट इजीली फाइंड आउट कर सकता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मेन क्या काम क्या है मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है रेशोज कैलकुलेट करके देता है ताकि ये जो रेशोज है इससे कंपनी की जो एक् पोजिशन है वो पता चले मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट बैलेंस शीट को रीड करने का काम करता है He reads the balance sheet. He analyzes the balance sheet, and that is very important. Analysis of the balance sheet is very important. Financial accountant kya karta hai Financial accountant balance sheet ko prepare karta hai और prepare करने के बाद management accountant क्या करता है? Management accountant उसको analyze करने का काम करता है. और उसके basis पे बहुत सारे ratios भी calculate होते हैं, ताकि company की exact position हमें ratios को देखके ही पता चल सके. तो फिलहाल हम वर्टिकल बैलेंस शीट सीखेंगे बिकॉज आपका जो चैप्टर नंबर वन है इसमें आपको दो फॉर्मेट सीखने हैं फॉर्मेट नंबर वन है हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट और फॉर्मेट नंबर सेकेंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो शुरू करते हैं फॉर्मेट नंबर वन के साथ कि वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे आपको याद रखनी चलो शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको हेडिंग यहाँ पे लिखना है कॉलम्स आपके रहेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स ठीक है काफी इम्पोर्टेंट है वी हैव सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड वी हैव एप्लीकेशन ऑफ फंड तो ये पहला मैंने हेडिंग दे दिया सोर्सेज ऑफ फंड सोर्सेज ऑफ फंड्स में अगर हम बात करें सबसे पहले हेडिंग की तो सबसे पहला हमारा होता है शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर्स फंड्स तो सबसे पहले आएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स में शेयर होल्डर फंड ठीक है शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमारा सबसे आएगा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल इट्स वेरी सिंपल जो अमाउंट का कॉलम है फिलहाल मैं ब्लैंक रख रहा हूँ बिकॉज हमें वर्टिकल बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है और ये फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद यहाँ पे प्लस का साइन दे रहा हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल में हमें ऐड करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ठीक है यहाँ पे मैं क्रॉस क्रॉस डाल देता हूं तो आपको समझ में आए एग्जैक्टली अमाउंट यहाँ पे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल एड शेयर कैपिटल फिर एड रिजर्वज एंड सरप्लस ठीक है एड क्या करना है हमको रिजर्व एंड सर फिर हमें सबको ऐड करने के बाद लेस ियस एक्सपेंसेस मिसेलेनियस एक्सपेंसेस को इस चैप्टर में हम एक नाम देंगे जो आपको कंफ्यूज ना हो दैट इज इज फिक्टिशियस नाउ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस दिसलेनियस एक्सपेंसिस का या फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक असेट्स ऐसे असेट्स जो एक्चुअली असेट्स नहीं है फिर भी बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहे है. जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि शेयर इशू एक्सपेंसेस तो ऑल दिस एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेसिडर एज मिसलेनियस एक्सपेंसिस ठीक है आपको करना क्या है इस मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस करना है काफी सिंपल कंसेप्ट है शेयर होल्डर फंड कैसे ढूंढे शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते हैं बाय ऑल दिस पॉइंट इक्विटी शेयर कैपिटल एड कैपिटल एड रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस तो यू विल गेट दी आंसर एज शेयर होल्डर्स क्या मिलेगा आपको शेयर होल्डर्स फंड्स इसको हम नाम देने वाले हैं शेयर होल्डर्स तो यहाँ पे आपका शेयर होल्डर फंड्स आ जाए ठीक है काफी सिंपल कैलकुलेशन है आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं फिर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो पहला हेडिंग है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में वी हैव शेयर होल्डर फंड्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसेलेनियस एक्सपेंसेस तो वी विल गेट दी आंसर है शेयर होल्डर फंड्स फिर हमारा सेकेंड नंबर डालते हैं सेकेंड नंबर हमारा होता है बोरोड फंड्स ठीक है काफी सिंपल कंसेप्ट है सेकेंड हेडिंग है हमारा बोरोड फंड्स दैट इज द लोन फंड्स मतलब हमने कहाँ कहाँ से लोन लिया है दैट इज बोरोड फंड्स देखो बोरोड फंड्स में दो टाइप के कंसेप्ट आते हैं एक है आपका सिक्योर्ड और एक है हमारा अनसिक्योर्ड तो देखो सिक्योर्ड की अगर हम बात करें तो बैंक लोन डिबेंचर्स ये सारे आपके सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड की बात करें तो अनसिक्योर्ड याद रखना मैं यहाँ पे अनसिक्योर्ड लिख रहा हूं अनसिक्योर्ड आपका होता है पब्लिक डिपॉजिट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको क्वेश्चन में नॉर्मली दिया जाता है तो अनसिक्योर्ड में क्या आएगा पब्लिक डिपॉजिट तो वॉट एवर इज़ योर सिक्योर्ड एंड वॉटवर इज़ योर अनसिक्योर्ड इन दोनों को हम लिखेंगे और इन दोनों को लिखने के बाद हमें क्या करना है इन दोनों को लिखने के बाद इनका टोटल करना है और इसको हम यहाँ पे आउटर साइड लिखेंगे फिर हमें क्या करना है हमें अभी आंसर मिल जाएगा जिसको हमें डबल अंडरलाइन से क्लोज करना है हमें किसको किस में प्लस करना है ध्यान से ये जो आपको शेयर होल्डर फंड्स मिला ये शेयर होल्डर फंड्स प्लस दिस बोरोड विल गेट दी आंसर एंड दिस आंसर इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिस इज कॉल्ड एज वॉट दिस इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इसी को हम टोटल सोर्सेस भी कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है अभी आगे बढ़ते हैं आगे काफी इम्पोर्टेंट है टोटल पार्ट हमारा यहाँ पे हो चुका है आगे बढ़ते हैं तो आगे के कैलकुलेशंस में आपको अभी बताता हूँ फिर अगला हेडिंग हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तो काफी इजी काफी सिंपल फॉर्मेट है बट ये फॉर्मेट ही काफी इम्पोर्टेंट है यही आपका आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाएगा इसलिए फॉर्मेट को ध्यान से समझे तो हम भी इसको थोड़ा धीरे धीरे समझ लेंगे एक्जैक्टली exactly ये फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं ट इज देशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इफ यू सी फिक्स असेट्स वी हैव टू पॉइंट इन दैट वन इज वॉट वन इज टैंजिबल एंड अनदर इज इनटैंजिबल ठीक है so, assets, काफी सिंपल कैलकुलेशन है यह आपको पहले से भी पता है फिक्स असेट्स में दो पॉइंट्स आते हैं एक टैंजिबल होता है दूसरा हमारा इनटैंजिबल होता है टैंजिबल जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है फर्नीचर है मोटर व्हीकल्स है ये सारे आपके टेंजिबल है इन की अगर बात करें तो वी हैव गुडविल वी हैव पेटेंट्स वी हैव कॉपी वी हैव ट्रेडमार्क ये सारे आपके इन टैंजिबल इसको हम यहाँ पे इनर में लिखेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे प्लस करके भी हम इसको इनर में लिखेंगे दैट इज कॉल्ड एज टोटल फिक्स असेट ठीक है इसको क्या कहते हैं हम टोटल फिक्स असेट तो आप कहेंगे अभी इनर में क्यों लिखा है इसको आउटर में क्यों नहीं लिखा बहुत ही सिंपल है ध्यान से समझते एक बार इसको इनर और आउटर में क्यों लिखा है इसके बाद हमें इसमें प्लस करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एड रिपीट अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज क्वेश्चन में आपके इन्वेस्टमेंट दिए रहेंगे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और दूसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स में कौन सा इन्वेस्टमेंट्स प्लस करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं होगी कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है तो वी विल बी एडिंग दैट बाय अज्यूमिंग कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है तो यहाँ पर हम इसको प्लस करेंगे और इसको फिर अभी मैं यहाँ पे बाहर लिख रहा हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ठीक है काफ़ी सिंपल है टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपके पास टोटल फिक्स असेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है तो वी हैव द टोटल फिक्स असेट्स ऑल्सो अवेलेबल हीयर एंड वी ऑल्सो हैव दी अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स हीयर तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल ठीक है काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन है होप कि ये कैलकुलेशन आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं इसको ठीक है काफ़ी सिंपल है कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी इसमें नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ सेकेंड हमारा नंबर है वर्किंग कैपिटल ठीक है सेकेंड हमारा पॉइंट आएगा वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल को भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है देखो वर्किंग कैपिटल हमको कैसे करना है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे करंट असेट्स तो व्हाट डू यू मीन बाय करंट असेट्स ऐसे असेट्स जो एक साल के अंदर कैश पे कन्वर्ट होंगे दैट इज कॉल्ड एज करंट असेट्स अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना बिकॉज यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको ध्यान रखना है करंट असेट्स दो पॉइंट्स में डिवाइड होता है एक होता है आपका क्विक असेट्स और दूसरा होता है आपका नॉन क्विक असेट्स ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिए रेशियो एनालिसिस में ये फिर बहुत अवेलेबल हो जाएगा और रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा देखो नॉन क्विक असेट्स की अगर बात करें तो नॉन क्विक असेट्स में आपको याद रखना है स्टॉक विच इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक ठीक है स्टॉक और दूसरा है आपका प्रीपेड एक्सपेंस क्या है प्रीपेड एक्सपेंस ये दो आपके नॉन क्विक असेट्स है अगर हम क्विक असेट्स की बात करें तो क्विक असेट्स में क्या आता है कैश डेटर्स बिल्स रिसिवेबल एनी पॉइंट्स ये सभी पॉइंट्स आपके क्या आएंगे फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो मैं आपको बोल रहा था तो ये सारे आपके क्विक असेट्स ठीक है तो करंट असेट्स में कौन सी कौन सी चीजें आती है करंट असेट्स में क्विक असेट्स आते हैं और नॉन क्विक असेट्स फिर ये आपके करंट असेट्स हुए करंट असेट्स में हमको क्या लिखना है क्विक और नॉन क्विक लिखना है तो यहां पे हमें टोटल मिल जाएगा एंड दैट विल बी टोटल करंट असेट ठीक है काफी सिंपल है टोटल करंट असेट फिर इसमें से हम लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी क्या लेस करेंगे करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटीज को भी अंडर कर लाऊ करंट लाइबिलिटीज में भी दो पॉइंट्स आते हैं सिमिलर है एक है आपका क्विक लाइबिलिटी और दूसरा है आपका नॉन क्विक लाइबिलिटी अगर हम क्विक और नॉन क्विक की बात यहाँ पे करें तो नॉन क्विक लाइबिलिटी में यहाँ पे बी आता है विच इज कॉल्ड एज बैंक ओवर और दूसरा हमारा पॉइंट होता है इनकम रिसिव्ड इन एडवांस ठीक है क्या होता है इनकम रिसीव इन एडवांस ये आपका नॉन क्विक लाइबिलिटी क्विक लाइबिलिटी में वी हैव डिफरेंट सच एज क्रेडिटर्स वी हैव वी हैव बिल्स पेबल वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वी हैव प्रोविजन फॉर टैक्स वी हैव प्रीपेड वी हैव दी प्रोविजन फॉर टैक्स वी हैव प्रपोज डिविडेंट प्रीपेड नहीं वी हैव प्रो प्रपोज डिविडेंट तो ये सारे पॉइंट्स आपके कहाँ पे आएंगे क्विक में आएंगे और नॉन क्विक में याद रखना है आपको बड़ी लिस्ट याद नहीं रखनी है छोटी लिस्ट याद रखनी है तो अगर हम करंट लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे भी क्विक लाइबिलिटी और नॉन क्विक लाइबिलिटी आएगा फिर इनका टोटल अगर हम करेंगे तो आएगा टोटल करंट लाइबिलिटी इसको भी मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ ब्रैकेट डाल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसको हमें माइनस करना है अभी हमें क्या करना है टोटल करंट असेट्स में से टोटल करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है तो वी विल बी गेटिंग आंसर एज नेट वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल इसको हमें इधर थर्ड कॉलम में लिखना है ठीक है काफी सिंपल है आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हाउ डू वी गेट नेटवर्किंग कैपिटल मैं ब्रैकेट में यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी तो करंट असेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज को माइनस करें तो वी गेट दी आंसर एज वर्किंग कैपिटल अभी लास्ट आंसर हमारा होगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तो इसको हमें हम इसे टोटल एप्लीकेशन भी कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज टोटल एप्लीकेशन ऑफ ये कैसे इसको याद रखना है कैसे इसको सॉल्व करना है ध्यान से समझो अभी तो सबसे पहले ऊपर हमने कैलकुलेट किया था इफ यू सी दिस यू कैन सी दिस काफी इंपॉर्टेंट ये जो आपको दिख रहा है यहां पे दैट इज टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ये जो टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स मिला है इस टोटल फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू में हम नेट वर्किंग कैपिटल को क्या करेंगे प्लस करेंगे क्या करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल को हम प्लस करेंगे तो नेटवर्किंग कैपिटल को हम प्लस करेंगे तो हमें फिर आंसर मिलेगा एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर एंड दिस फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज आवर बैलेंस शीट फाइनल टोटल दैट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यहाँ मिला है और ऊपर भी हमको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिला था इफ यू रिमेंबर दी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें यहाँ मिला है this total capital employed over resources and the total capital employed over the applications both this total capital employed should be same if both the total capital employed is same that indicates our balance sheet is tallied so this is your vertical balance sheet ka format I hope this format is clear to you because if this format is clear to you then the further calculations which we are going to do such as preparing the common size statement comparative statement ट्रेंड uh, एनालिसिस का स्टेटमेंट ये सारे स्टेटमेंट आपके फिर फिंगर टिप्स पे होंगे बहुत ही सिंपल जाएगा आपका कैलकुलेशंस बिकॉज वो सबका जो भी बेस है वो ये आपका ये फॉर्मेट है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट के साथ थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर